लेकिन ये किसी को बताना नहीं, आप और मेरे बीच सीक्रेट सीक्रेट। हमने निंजा पद्धति में इसको काट दिया एकदम ऐसा करके ठिस, लेकिन कोई ट्राई मत करना। अरे निंजा क्या होता है स्वीटी? निंजा जो लोग फाइट करते। निंजा थोड़ी देखते थे बचपन से ही हमने सीखा, बचपन से नहीं स्वीटी का बचपन से हमने भी सीख लिया। हमारे बचपन पे तो निंजा हथौड़ी मतलब ऐसा वाला कुछ पसंद ही नहीं। तुम तो बचपन में बहुत दिखाते थे, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, मुझे डोडो मजा आता। और ये स्वीटी बचपन में बोलते थे निंजा हथौड़ी देखना उसको। और एक चीज, दो दो लॉकी डाला है, अभी प्रेशर कुकर में आएगा नहीं, वो निंजा नहीं बता सकते। अरे निंजा का दिमाग ना इतना कहाँ चलेगा, इधर उधर भाग के। थोड़ा सा पानी देंगे क्योंकि उसमें से तो वही पानी निकलेगा लॉकी से। और इसको प्रेशर कुकर में एकदम दबा के सीटी मारो जब तक बेचारा सॉफ्ट ना हो जाए। नॉर्मली आप ऐसे भी कर सकते हो लेकिन काफी टाइम लगेगा, इसीलिए नहीं प्रेशर कुकर में। ये एक ही चीज मैं प्रेशर कुकर में लौकी को करती हूँ। मेरा यहाँ पे ना इतना हड्डी में दर्द हो रहा है, अभी मैं कैमरा अभी दिखा नहीं पा रही हूँ, आप लोग कहाँ देख रहे हो, इधर नहीं इधर। वही स्वीटी को एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने दिया था वही वाला। ये हाथ में ना मतलब जोर ही नहीं, आज जैसा तैसा करके वीडियो एडिट किया। अरे हो गया, मैंने बॉडी पे क्यों पोस दिया? क्या दिमाग लगा के रखी है, देखो कितना बदमाश है। मेरा हाथ पोछा, हाथ पोछा मेरे कपड़े पे। वाह वाह, टॉवल नहीं है उधर, सोप से हाथ धोने में क्या। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे, खुश रहना, हैप्पी रहना, दिल से भोंदो रहना, लेकिन दिमाग से स्मार्ट रहना। भोंदू देखो कितना शांत, सब 4-5 बज रहा है, मुझे बहुत नींद आ रहा था लेकिन नींद भगाने के लिए क्या कर रही हूँ, को धोया था ये जो है ना, क्योंकि देखो कुछ काम करने से ना नींद थोड़ा भाग जाता है। अगर मैं ऐसे सो दूंगी ना, अभी जस्ट वीडियो कुछ देर पहले गया तो वीडियो आज थोड़ा लेट हो गया था। मेरा ना यहाँ पे कुछ पेन हो रहा है, देखा ना स्वीटी ने तेल लगाया, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया, उसके बाद मैंने सोचा नहीं अभी काम करू नहीं तो। स्वीटी का क्या चल रहा है कुछ दिनों से? नहीं कुछ दिन हीटर आ रहा है फेस पे मेरे ऊपर। गरम स्टीम स्टीम। कैसे हो? बहुत अच्छी हूं। स्वीटी कुछ दिनों से बहुत बिजी है। कैसे हो बताना जरूर। यस, बहुत ही नहीं बोला ना, ये भूल जाते हैं पढ़ाई के मामले में, थोड़ा बेचारा बिजी हो जाते हैं ना। घर देखो ऊपर से नीचे तक सफेद सफेद, लेकिन वो कॉर्नर देख रहे, पहले ना ब्लू कलर का था तो वो कॉर्नर पेंट नहीं का, मतलब वो कबर्ड के पीछे का तरफ है, और उसमें वॉलपेपर जो था वो नहीं लगा पाए थे। वॉलपेपर ना मैं ना किसी को रिकमेंड नहीं करूंगी, अभी कलर चेंज करने का मन कर रहा है, लेकिन एक डब्बल लाके कलर चेंज कर सकती थी ना, बाकी व्हाइट है वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन एक वॉल चेंज करने से लुक चेंज हो जाता, लेकिन ये वॉलपेपर है थोड़ी नॉर्मल, अभी 2-4 साल नहीं चलेगा। इस्त्री तो हो गया, यहाँ पे देख रहे ये सारा टैंगल हो गया, सारे कोम करके सीधा पड़ना पड़ेगा, ये हाथ से भी कर सकते हैं, मोटा वाला कोम से करूंगी। सारे सामान देख के लग रहा है ना क्या खजाना निकल के रखे। एक्चुअली इसमें ना ओ माय गॉड, देखो ऑन कैमरा अगर ये थोड़ा सा इधर रहता नहीं होता, अभी थोड़ी होता है, सब कुछ खराब थोड़ी होता है, मस्त नहीं होता। और ये शांतनु ने खरीदा खड़ करके काटने के लिए, जगह नहीं मिल रहा था मुझे मेरे इधर, क्या इसका कवर है ना इधर है इधर। ये जो सारे सामान आपको दिख रहे हैं ये सारे ना दिवाली के टाइम दिया के हिसाब से यूज करती हूँ कैंडल जलाने के लिए, सालों साल से है। छोटा छोटा जो ग्लास होता है ये ट्रांसपेरेंट जाना दिखाया जाए, ये कलरफुल ग्लास से है। ये वाला कलर वाले कहाँ का है पता है? वो जो दिख रहा है ना आपको वहाँ पे, ये कलर वाले उसी जगह का है। इस तरह से रखने से ना एटलीस्ट सीजर रहता है और खराब भी नहीं होता। कंचे खेलना है किसी को? कंचे कितना बड़ा बड़ा कंचे, हमारे बचपन पे तो इतना बड़ा कंचे नहीं मिलता है, ये मार्बल बोलता है ना, पूजा के मैक्सिमम जो सामान होता है ना इस तरह से। ये जो बाती होता है ना, बाती काफी सारे एक साथ खरीद लेती हूँ क्योंकि सब जगह पे ना अच्छा नहीं मिलता, घर पे तो बना सकते हैं लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा मिलता है, तो क्यों, क्योंकि किसी का दुकान भी तो चलता है उससे। और ये सारे आउल जो बंगाली आउल है ये दुर्गा पूजा में सेफ निकलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे फिट करूंगी। कर्पूर एक्स्ट्रा निकाल के रखती हूँ डब्बे में, इसमें ज्यादातर वही पूजा के सामान, ये जो अखंड दिया होता है, ये पूजा का घाट, ये सारे। और एक चीज, ये बनाने की बहुत कोशिश किया लेकिन अभी तक बना नहीं, ऊल काटा दिख रहे हैं, अभी गर्मी में ऊल को हाथ लगाने, ऊल नहीं ऊन, लेकिन हम लोग ऊल बोलते हैं ऐसे तो, ऊन बोलते हैं हिंदी में लेकिन हम बंगाली तो ऊल ही बोलते हैं, जैसे जिसका लैंग्वेज होता है। देख ना गर्मी में आप स्वेटर को हाथ लगाओ कैसे फील हो रहा, वैसे फील हो रहा है। और ये एक चुन्नी था, ये मेरा DIY में यूज हुआ था। रुको ये है ना, हम थोड़ा बहुत खराब हो जाता है, कलर करना पड़ता है। ये हो गया फिट,
चलो बॉक्स बंद करते हैं शांतनु और धकेलो ना थोड़ा। ये है वो वाला बॉक्स और वहाँ पे दो छोटा छोटा स्कूल बॉक्स, मेरा कलर पेंट है मैक्सिमम उसमें। और ये शांतनु का दादाजी बॉक्स, शांतनु का वो ड्रिल ड्रिल करने वाला बॉक्स और एक व्हाइट कलर। आए अंदर चला जाएगा ना, बस देख जरूरी जो चीजें है वो तो रखना ही पड़ेगा। ये देखो कंचे, ऐसा करके खेलते थे ना, ऐसा करके। देखो भूल भी गई कि पहले कितना अच्छा खेलती थी। Yeah, you might not be at your best, but it's fine. I don't mind telling truths when you need to hear them, and be kind when that's what you prefer. यहाँ पे मैंने जिंजर और ग्रीन चिली कूटा है, उसमें जीरा पाउडर, थोड़ा ज्यादा करके तीखा होना चाहिए। देखो किचन शाम को इस तरह से होता है, दोपहर में मैंने बॉयल किया था ना, अभी स्मैश कर लिया लौकी को अच्छी तरह से पल्प बना लिया लौकी का। मस्टर्ड डाल दिया, जो मसाला पीसा था वो मसाला कूटा था, पीसा नहीं, पीसना कूटना एक ही है। जो लौकी का प्यूरी था वो, लेकिन इसको मिक्सी में मत प्यूरी कीजिए। और इसमें ना थोड़ा सा शुगर पड़ेगा बैलेंस के लिए, ये आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा ऐसा टेस्ट हिसाब से, क्योंकि मम्मी ऐसे ही बनाती थी तो मैं ऐसे ही सीखी। थोड़ा सा जस्ट बॉयल आ जाएगा, उसमें अभी चावल का आटा, चावल का आटा में जो टेस्ट आता है गेहूं के आटे में वो टेस्ट नहीं आता, लेकिन आप बना सकते हो किसी को अगर चावल का आटा नहीं खाना है। रॉ राइस का पाउडर यूज कर रही हूँ, आप बॉयल्ड राइस का पाउडर यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा पकने के लिए, जैसा राइस का बनाते हैं वैसा ढक कर रख दूंगी गैस ऑफ करके। As long as I'm able, scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. इस तरह से मैंने रखा है, अभी ठंडा नहीं हुआ, गर्मा गर्म ही थोड़ा सा गोंद लेना है, लेकिन बी केयरफुल बहुत ज्यादा गर्म में भी नहीं। आजा 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 आजा। इसको इस तरह से, लेकिन ऐसा करो तो साइड का जो पोर्शन है ना फटेगा नहीं। तो गेहूं के आटे से बना रहे हो तो बताना तो जरूर कैसा बना है, तो मैं भी ट्राई करूंगी। ये नॉर्मली चावल के आटे से ही बनता है। मित्रिया जी का बिला एकदम चांद जैसा, एकदम चांद एकदम, वो भी चावल का रोटी इतना परफेक्ट गोल, वाह वाह। और इसको बेलना है चावल के आटे से ही, लौकी थोड़ा ज्यादा है इसीलिए साइड फट रहा है। अगर आपको लगे फट रहा है तो ऐसे ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आज मैं एक ट्रिक अपना रही हूँ। यस, ये पहली बार मैं लाइफ में कर रही हूँ। बहू को कुछ नहीं आता, लो बहू को सब कुछ आता है। ओह, सो टैलेंटेड। अगर आप ऐसे फटा हुआ पराठा कोई गेस्ट को दोगे तो गेस्ट थोड़ा सा मन में सोचेगा, हस्बैंड खा लेंगे, घर वाले तो खा लेंगे, घर वाले आपको जानते हैं लेकिन बाहर वाले तो नहीं जानते, तो वो बोलेगा अच्छा इसको आता ही नहीं है, इतना अच्छा आपने बना लिया, लेकिन वो फटा हुआ चीज की वजह से, छोटा सा एक चीज की वजह से आपके ऊपर क्वेश्चन करने में किसी को टाइम नहीं लगेगा, आप जितना भी ऑनेस्ट हो जाओ, जितना भी टेस्टी हो। दिखने अच्छा है, दिखने में अच्छा होगा तो गेस्ट सोचेंगे अरे इसको, दिखने में अच्छा है ना, बहू का अंदर का गुण जितना भी हो दिखने में अच्छा होना चाहिए ना। वैसे ही सब मांगते हैं, बाहर का लुक अच्छा होना चाहिए, अंदर में जैसा भी हो। अभी शांतनु का बात है, कुछ गलत भी मत टर्न मत ले लेना, अपने वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन देखो अगर किसी गेस्ट को आप इस तरह से दो तो बोलेगा भी नहीं, लेकिन सोचेगा ना अरे इसको कुछ आता नहीं है, इतना अच्छी तरह से पराठा नहीं बना पाए, तो ऐसे ही ना हो गया पंडा। इसके बाद अब इसको पतला करते जाओ तो भी नहीं फटेगा, एकदम पतला करो। लेकिन ये किसी को बताना नहीं, आप और मेरे बीच सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट। पहले वाले के बारे में ट्राई किया, किसी को नहीं बताना। नॉर्मली ये तेल से सेका जाता है, देखो फूलेगा, घी से भी आप सेक सकते हो लेकिन नॉर्मली तेल से फूलना चाहिए। और ये जैसे छोले बनाते हैं नॉर्मल, मैंने देखो टमाटर है ना वो अखा दिया तो इस तरह से छिलका, किसी किसी का हजम नहीं होता ना तो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम करते हैं, तो छिलका उठा सकते हैं। राज सही छोले पधार रहे हैं, साथ में दोस्त पनीर भी है। मेरा वाला देखो, मेरा भी है ना कलरफुल, आज सब एकदम जबरदस्त पीला वाला अच्छा लग रहा है। स्वीटी पकड़ा, भारी है, पूरा छोले इसके अंदर आ गया, मुझे लगा था नहीं आएगा, ये देखने में ऐसा है बाबा। अच्छा इसका तो सिनेमेटिक शॉट्स तो बनता है, मुझे देख के लग रहा है ना मैं इसको नष्ट ना करूं, ऐसे रख दो लाइफ टाइम, ऐसे एक फोटो करके रख दूं।
खाओ मत उसको। छोले है हर घर पे दिन ही बनता है, सिंपल जैसे छोले बनाते छोले मसाले से, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन है इसी मैं खुद ही एडिट करूंगी तब मुझे लगा कस छोले मिल जाता है, ऐसे फील होता है ना। शुद्ध देसी खाना को प्रेजेंट करो थोड़ा अलग कैफे वाले फील में। मेरा इधर गिर गया स्वीटी, हाँ से रही है, अब गिर गया तो मैं बोलने कुछ और गई उस टाइम पे, माइंड में कुछ और चल रहा था। आज छोले पनीर नहीं, आज पनीर छोले, क्योंकि छोले था इतू सा। ये दूध और ब्रेड, वो मलाई होता ना थोड़ा सा मलाई दूध ब्रेड, ये मेरा टिफिन का, लेकिन छोटा छोटा टुकड़ा जो बचा हुआ ब्रेड था वो ऊपर से थोड़ा सा शुगर। ये जो है ये लौकी का पराठा, लाव पीठे बोलते हैं, लौकी देख के मुझे इसका याद आता है, स्वीटी को भी सेम। लौकी अच्छा लगता है, बोलियो ना, मेरे एक्सप्रेशन से आप लोगों को पता चल गया है। लौकी का मेरा हर एक फॉर्म अच्छा लगता है नहीं, लेकिन अगर कोई लौकी से एकदम नफरत करते बिना बताए ये खिला के देखो, लौकी से प्यार ना कर रहे हो। चलो सुनाई देता है, कटोरी बेकार, चिल्ली तो निकाल रही हो, जगह नहीं है मेरे को खाने का, मेरे को खाने का पनीर का। तुम्हारे ये वाला कब से आया तेरे को, मेरे को बाबू राव जैसे हेरा फेरी इतना देखा है, हेरा स्वीटी बोलते हैं मेरे अंदर हेरा फेरी। पनीर देना खाइए नहीं, पनीर से मुझे हाथ नहीं लगाने, वरना तुम्हारे हाथ को फ्राई करके खा जाऊंगी। मस्त फ्राई में, मस्त तेल में मुझे बोलने देगा पनीर को ऐसे लास्ट में पूरा पनीर एक साथ ठूस के खा, क्या फायदा पनीर बनाने का, कोई जरूरत ही नहीं है। ऑसम बना है, घर पे जरूर ट्राई कर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जरूर। बास्केट भी छोटा पड़ा, ये छोटा है, मैं ना कुछ बर्तन धो के रख देती हूं। बॉडी खींचने के लिए जो लूफा लाई थी ना, जो और एक झींगे चोपड़ा नेचुरल वाला, इसी से मैं साफ कर रही हूँ, क्योंकि प्लास्टिक वाला वो मतलब हाथ को खराब कर रहा है, तो अभी फिलहाल मैं यही यूज कर रही हूँ। अच्छी तरह से क्रीम लगाओ रात को सोने से पहले। आपको बहुत जोर से मारते हो, हाँ शांतनु को एक दिन सिखाया था, क्रीम तो बहुत अंदर तक, शांतनु को सिखाया था, शांतनु को बोला शांतनु थोड़ा सा दब 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 करके क्रीम लगाना, दब दब नहीं तुम्हारा तो नहीं थी, सब भरा से निकाल ले, तुम ऐसे निकाल लो ना, ऐसे नहीं वो बहाना देके हाथ में जोर है बब्बा, खुद का क्रीम लगा रहे ऐसा ऐसा करके, मैं बोलू क्या कर क्या रहे हो, जल्दी जल्दी घुसेगा घंटा उसमें चमड़ा और भी एकदम गोंडर के जैसा हो जाएगा। हिप्पो 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 नहीं राइनोसोरस, हिप्पोपोटामस नहीं गोंडर, दोनों में कर राइनो 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 राइनो, हां राइनो है वो सिंग वाला राइनो, और वो मोटू सोटू क्यूट वाला हिप्पोपोटामस। बच्चा जब छोटा रहता है ना तब अच्छा रहता है, अबे मुझे ना या तो तुझे नीचे होना पड़ेगा या तो मुझे ऐसा करके चढ़ना पड़ेगा। सिनेमैटिक शॉट स्वीटी खुद का वीडियो देख के खुद ही हंसती है ना स्वीटी, उसने वीडियो देख के हंस रही थी, बोले थी ये मैं कैसे बातें करती, जो चीजें जैसे ही थी वैसे ही रहेगी ना, क्या कर रही है तू टाड़ा बांधो, अभी टाड़ा बांधी नहीं बाबा आमा के बांधा सिकच्चे धोबी घाट खोल के बैठे हुए हैं विद लाइव डीजे 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 डीजे, उसका बैग ये झोला अभी तक है। कैमरा पर्सन मैथी के साथ मैं स्वीटी रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम धोबी घाट मैथी स्पेशल इंडिया। तो बस वीडियो को भी यही पे एंड करते हैं, वीडियो किसी भी रीजन पे अच्छा लगा लाइक जरूर कर देना, और हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, अभी मिलकर करके और एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, अब तक के लिए बाय बाय। बहुत अच्छा बोले लेकिन इतना स्पीड से बोले किसी को समझ भी नहीं आएगा।